आज ब्रिज मोहन वेलनेस सेंटर में माता जी है और इनको कहां से कहां दर्द होता है आपको? कमर के पीछे से लेकर के नीचे नीचे यहाँ जी जी, जो माता जी परेशानी बता रहे हैं यहाँ से इधर उधर दिखाना। देखिए यहाँ हाथ रखी है माता जी, यहाँ पीछे से लेकर के नीचे नीचे एड़ी के पास तक ये सियाटिका की समस्या है। इसको सियाटिक नर्व होता है, उसमें विकार भर जाने के कारण ये दर्द यहाँ से स्टार्ट होगा, पूरा फटेगा ये। हाँ, ये एक एक पैर में भी हो सकता है, दोनों पैरों में भी हो सकता है, काफी तकलीफ होती है आपको। जी जी, जब चलिएगा तो दर्द बढ़ ये समस्या को दूर करने के लिए अभी मैं आपको दो तीन आसन बता देता, आप उसको करिएगा। क्या नाम है माता जी आपका? शिव कुमार जी। तो आप लेट जाइए, सीधे लेटिए पीठ टेबल। हाँ, अब करना क्या है, दोनों हाथ को कमर के पास रखिए और दाहिना पैर उठाइए पहले, इस पैर को उठाइए, नहीं उसको मोड़ना है उना के पास से, इस पैर को मोड़ के यहाँ रखिए, देखिए ऐसे, ठीक। आप देख इधर से देखिए, देखिए कैसे करना है। एक दाहिने पैर को मोड़ दिया घुटने से, बाएं पैर को घुटना से मोड़ते हुए उस पे रख दिया, अब दोनों हाथों के अंदर से घुसाइए इसके अंदर से, हाँ, और पकड़ के और इसको अंदर की ओर जमीन पर ही माथा रखिए, इसको थोड़ा ऊपर तानिए, खींचिए इसको। अब इधर खिंचा हो रहा होगा, इधर देखा, इधर देखा। अब देखिए क्या हो रहा है कि पीठ के बल लेटे हुए हैं, दाहिना पैर सीधा हुआ है, बायां पैर को मोड़ के घुटने के ऊपर रख दिया, जांघ के ऊपर, दोनों हाथों को अंदर से ले जा करके फंसा दिए हैं, इस पैर को अंदर की ओर खींच रहे हैं अपनी ओर। अब इनको जो इस पैर में दर्द है, यहाँ से इधर खिंचा हो रहा होगा, ये खींच रहा है, सियाटिक नर्व में खिंचा हो रहा है, ये सायटिका के लिए पक्का दवाई है। इसको यदि 5 सेकंड होल्ड करना है, रुकिए, 1 2 3 4 5 फिर ढीला करिए, यहाँ लाइए, फिर करिए 1 2 3 4 5 इसे 5-5 सेट करना है। पैर को बदल दीजिए, अभी इस पैर को मोड़िए और इस पैर को यहाँ रखिए, जी जी, अंदर से हाथ घुसाइए, देखिए ये प्रक्रिया अब दूसरे पैर से कर रहे हैं। अब इसको खींचिए अंदर, 1 2 3 4 5 फिर वापस ला देंगे, फिर इसको खींचेंगे, फिर खींचिए एक बार, 1 2 अभी खींचेंगे तो इसमें खींचा हो रहा होगा इस पैर में। हाँ, तो ये इस प्रकार का जो हमने आपको अभ्यास दिखाया है, पैर सीधा कर लीजिए, ये 5-5 सेकंड होल्ड करके और 5 से 10 जब हम सेट करेंगे तो धीरे धीरे सियाटिका की समस्या, जहाँ दर्द बता रही है कमर के पीछे से लेकर के और एड़ी तक के, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। थोड़ा खान पान का ध्यान रखना चाहिए, बैंगन केला दही या गैस बंद करने वाला सामान नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये सब नहीं खाना चाहिए, उससे ठीक रहेगा। और खाता खाते समय पानी नहीं पीजिएगा, चबा चबा के भोजन करिएगा। तो ये सियाटिका के लिए मैंने एक स्टेप बताया, बड़ी लाभकारी है। तो आप सबसे भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को, ब्रिज मोहन योग चैनल के द्वारा प्रसारित हो रहा है, तो ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और सियाटिका के लिए बड़ी ही जबरदस्त अभ्यास को मैंने जो दिखाया है उसे दूसरे लोग भी देख करके इसे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।